उत्तर प्रदेश के मौसम से जुड़ी जानकारी और ताज़ा मौसम की लाइव खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे हम आपको डेली अपडेट करा सकें। तो चलिए जानते हैं कि मौसम को लेकर क्या है उत्तर प्रदेश से ताज़ा अपडेट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के आसपास कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। घने कोहरे के कारण कई जिलों में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई, जिसकी वजह से लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं बात अगर ठंड की करें तो फिलहाल सुबह के कई इलाकों में लोगों को सर्दी से कुछ हद तक राहत मिली है, मगर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी धूप के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। आज से एक ताजा पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्व प्रदेश में मौसम फिलहाल खराब रहेगा। इसी बीच राज्य में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पूर्वी यूपी के एक दो स्थानों पर घने कोहरे की भी संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश के साथ हवाओं की रफ्तार भी तेज होगी, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक ये बारिश का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगले कुछ दिनों में धूप निकलने के ज्यादा आसार हैं। बता दें कि प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अब शीतलहर की विदाई हो चुकी है, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। वहीं अगर बात करें कि मौसम विभाग ने किन किन स्थानों पर अब फिर आंधी तूफान के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, तो आपको बता दें यूपी में आज गाजियाबाद, नोएडा, हाथरस, मथुरा, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत, सारण, सहारनपुर, बिजनौर में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में बारिश के साथ कोहरे और शीत दिवस को लेकर भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं अगर बात करें कि किन किन जिलों में अब फिर गरजेंगे मेघ और किन किन जिलों में हल्की के मध्यम ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग जता रहा है, तो आपको बता दें मौसम विभाग ने बताया कि सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, पीलीभीत, संबल, बदायूं और इसके आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने मेघ गर्जना के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई है। और मौसम विभाग ने ये भी आशंका जताई कि बारिश के साथ साथ हल्की के मध्यम ओलावृष्टि होने की भी आशंका है। इसी बीच मौसम को लेकर ये भी खबर आ रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डॉक्टर यूपी साई ने बताया कि 2-3 दिनों तक लगातार पश्चिम विक्षोभ के चलते बरसात की स्थितियां आए गेहूं की फसल को फायदा हो सकता है। ओलावृष्टि से सरसों और आलू की खेती को नुकसान होने की आशंका है। वहीं 20 मिलीमीटर तक बरसात रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं मौसम को लेकर यह भी खबर आ रही है कि यूपी मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 24 से 36 घंटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताज़ा तरीन ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।